दोस्तों मैं जब भी YouTube पर अपनी कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो मेरी हर एक वीडियो मुझे एक कमेंट देखने के लिए जरूर मिलता है। लोग मुझे मेरी वीडियो के कमेंट में पूछते हैं कि भाई आप किस ऐप से अपनी वीडियो को एडिट करते हो, क्या आप काइनमास्टर से अपनी वीडियो को एडिट करते हो या फिर आप किसी दूसरी ऐप में अपनी वीडियो को एडिट करते हो। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं काइनमास्टर में अपनी वीडियो को एडिट नहीं करता, क्योंकि दोस्तों आप सभी को तो पता होगा कि काइनमास्टर में हमें वाटरमार्क देखने के लिए मिलता है जो कि हमारी वीडियो की क्वालिटी को डाउन कर देता है, वो देखने में बहुत ही ज्यादा भद्दा लगता है। आप काइनमास्टर के वाटरमार्क को रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन आपको उसे रिमूव करने के लिए महीने के कुछ पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन शुरुआत में किसी भी नए क्रिएटर के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो काइनमास्टर की महीने की सब्सक्रिप्शन खरीद पाए। जब मैंने स्टार्टिंग में अपने YouTube चैनल स्टार्ट किया था तब मेरे पास भी पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मैंने भी काइनमास्टर से अपनी वीडियो को एडिट नहीं किया। फिर दोस्तों मैंने बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप्स के ऊपर रिसर्च की। मैंने प्ले स्टोर पर जाकर सर्च किया कि सबसे ज्यादा अच्छे वीडियो एडिटिंग ऐप कौन से हैं। तो जब मैंने वहां पर वीडियो एडिटिंग सर्च किया तो मुझे वहां पर बहुत सारी ऐप देखने को मिली जिनमें आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो। लेकिन प्ले स्टोर पर जो आपको ऐप देखने को मिलती है, हर कोई ऐप इतनी अच्छी नहीं होती, आप हर किसी ऐप में अपनी वीडियो को अच्छे तरीके से एडिट नहीं कर पाते। तो मैंने प्ले स्टोर से कम 20 एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड किया था और मैंने हर एक वीडियो एडिटिंग ऐप में अपनी वीडियो को एडिट करके देखा। तो फिर मुझे उन 20 एप्लीकेशन में कुछ एप्लीकेशन ऐसी देखने को मिली जिनमें आपको कोई भी वाटरमार्क देखने को नहीं मिलता था और उनमें आपको फीचर्स भी भर भर के मिल जाते थे। और सबसे बड़ी बात, ये सभी एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री थी, इनमें आपको एक भी रुपया नहीं देना होता, आप इनमें अपनी वीडियो को बिल्कुल फ्री में एडिट कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में आपको एक नहीं दो नहीं पूरी 5 वीडियो एडिटिंग ऐप के बारे में बताने वाला हूं जिनमें आपको कोई भी वाटरमार्क देखने को नहीं मिलता और इनमें आपको फीचर्स भी भर भर के मिल जाते हैं। और एक बात और दोस्तों, इन 5 एप्लीकेशन में से कुछ एप्लीकेशन ऐसी जिन एप्लीकेशन में आप अपनी वीडियो को 4K तक की क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो उस एप्लीकेशन को बिल्कुल भी मिस मत करना। और दोस्तों इस वीडियो में जो पहले दूसरे नंबर वाली एप्लीकेशन है, इन दोनों एप्लीकेशन को मैं पर्सनली अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए यूज करता हूं। और पहले दूसरे नंबर वाली ऐप तो काइनमास्टर की भी बाप है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यार कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 5वें नंबर पर आती है वीट एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और सर्च बार में आना है और आपको यहाँ पर वीट एप्लीकेशन सर्च कर लेना है। तो आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो कि यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमारी वीट एप्लीकेशन आ चुकी है, तो आपको इस एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। इस एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन पे 4.4 की स्टार रेटिंग मिली हुई है और 7 लाख से ज्यादा रिव्यू किए गए हैं और इस एप्लीकेशन को 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। तो इस एप्लीकेशन में आपको फ्री स्टोर का ऑप्शन मिल जाता है, टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिल जाता है, इफेक्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, टेक्स्ट एंड स्टिकर का ऑप्शन मिल जाता है, पीआईपी एंड क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाता है, म्यूजिक साउंड इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसमें आपको ये कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूं। तो मैं यहां पर सबसे ऊपर आता हूं और मैं इसे यहां पर ओपन वाले आइकन पे क्लिक करता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हो कि इसका इंटरफेस आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो आपको यहां पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और आप जिस भी वीडियो को एडिट करना चाहते हो आपको सिंपली उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिंपली यहां पर इस वाली वीडियो पे क्लिक कर देता हूं और यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। तो गाइज अब आप यहां पर साइड में देख सकते हो कि आपको वीट एप्लीकेशन का इंटीरियर कुछ ऐसा देखने को मिलता है और दोस्तों ये चलाने में बिल्कुल आसान है, आपको इसे चलाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो 4थे नंबर पर आती है हमारी इनसोर्ट एप्लीकेशन। तो आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है, आपको यहां पर सर्च बार में आना है और आपको यहां पर इनसोर्ट सर्च कर लेना है। तो गाइज आप यहां पर देख सकते हो कि हमारे दूसरे नंबर पर यहां पर इनसोर्ट एप्लीकेशन आ चुकी है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे आपको थोड़ा नीचे आना है। तो गाइज आप जैसे ही यहां पर नीचे आओगे तो आप यहां पर देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन पे 4.7 की स्टार रेटिंग मिली हुई है और 2 करोड़ से ज्यादा रिव्यू किए गए हैं और इस एप्लीकेशन को 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूं। तो इस एप्लीकेशन में आपको सुपर ट्रांजैक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, की फ्रेम फॉर स्टिकर एंड टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एड म्यूजिक इफेक्ट्स वॉइस ओवर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एआई बॉडी इफेक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऑटो कैप्शंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पिक्चर इन पिक्चर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एडजस्ट स्पीड कर्व का ऑप्शन देखने को भी मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूं। तो आपको इसका इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो आपको यहां पर अलो वाले आइकन पे क्लिक करना है और अब आपको यहां पर वीडियो वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको अपनी गैलरी में से किसी एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इस वीडियो पे क्लिक करता हूं और यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। तो गाइस आप यहां पर साइड में देख सकते हो कि आपको इनसोर्ट एप्लीकेशन का इंटीरियर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो गाइस आप यहां पर नीचे देख सकते हो कि इनसोर्ट का आपको पर एक वाटरमार्क देखने को मिल रहा होगा। तो गाइस आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको यहाँ पर क्रॉस वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर फ्री रिमूव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको 10-15 सेकंड की यहाँ पर एक ऐड देखने को मिलेगी, उस ऐड के कंप्लीट होने के बाद ये वाटरमार्क यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और गाइस आप इनसोर्ट का इंटरफेस देख सकते हो, ये बिल्कुल ही आसान है देखने में और इसे चलाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो तीसरे नंबर पर आती है हमारी यूकट एप्लीकेशन। तो गाइज आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और आपको यहाँ पर सर्च बार में आना है और आपको यहाँ पर यूकट सर्च कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर आ चुकी है। तो गाइज आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन पे भी 4.7 की स्टार रेटिंग मिली हुई है और 70 लाख से ज्यादा रिव्यू किए गए हैं और इस एप्लीकेशन को भी 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। तो गाइज आपको यूकट एप्लीकेशन में मर्ज वीडियो एंड फोटो का ऑप्शन देखने को मिलता है, कट एंड स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिलता है, 100 से ज्यादा वीडियो इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, वीडियो ट्रांजेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है, 100 से ज्यादा ट्रेंडिंग म्यूजिक का ऑप्शन देखने को मिलता है, ओवरले वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है, स्टाइलिश टेम्पलेट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, एनिमेटेड टेक्स्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो गाइज आपको इसमें कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप अपनी इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिंपली इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको इस एप्लीकेशन का कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और ये चलाने में बिल्कुल ही आसान है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और गाइस मैंने इस वीडियो एडिटिंग ऐप के ऊपर पहले से एक ट्यूटोरियल वीडियो बना रखा है, उस ऐप में मैंने आपको बताया कि आप इस वीडियो एडिटिंग ऐप को कैसे यूज कर सकते हो और अपनी वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हो। तो ऊपर आ रहे लिंक पे क्लिक करके आप इस ट्यूटोरियल वीडियो को देख सकते हो। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप यूकट एप्लीकेशन में अपनी वीडियो को 4K तक की क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो दूसरे नंबर पर आती है हमारी VN वीडियो एडिटर ऐप। और दोस्तों इस एप्लीकेशन को मैं पर्सनली अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए यूज करता हूँ। तो चलिए गाइस मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। तो आपको प्ले स्टोर पे आना है और आपको यहाँ पर सर्च बार में VN सर्च कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर VN सर्च करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके सामने यहाँ पर VN एप्लीकेशन आ चुकी है। तो आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन पे 4.5 की स्टार रेटिंग मिली हुई है और 32 लाख से ज्यादा रिव्यू किए गए हैं और इस एप्लीकेशन को भी 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। तो इस एप्लीकेशन में आपको टेक्स्ट टेम्पलेट एंड स्टिकर को ऑप्शन देखने को मिलता है, एडवांस एडिटर एंड स्पीड कर को ऑप्शन देखने को मिलता है, इजी टू यूज म्यूजिक बीट्स को ऑप्शन देखने को मिलता है, की फ्रेम एनिमेशन को ऑप्शन देखने को मिलता है, कलर ग्रेडिंग फिल्टर को ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑटो कैप्शन देखने को मिलता है, रिमूव बैकग्राउंड को ऑप्शन देखने को मिलता है। तो गाइज आपको इसमें कुछ ये फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप VN ऐप को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी गैलरी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो आपको किसी भी वीडियो पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर इस वाली वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो गाइज आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो कि आपको VN का इंटीरियर कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और गाइज आपको इस एप्लीकेशन में फीचर्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और इसमें आपको वीडियो इफेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं। और यह एप्लीकेशन काइनमास्टर से बहुत ज्यादा बेहतर है, ये चलाने में काइनमास्टर से बहुत ही ज्यादा आसान है। तो मैंने VN ऐप के ऊपर भी एक ट्यूटोरियल वीडियो बना रखा है, ऊपर आए बटन पे क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो पहले नंबर की एप्लीकेशन के बारे में बात करने से पहले प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट एप्लीकेशन कौन सी है। तो गाइस पहले नंबर पर आती है हमारी कैपकट एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में आपको फीचर्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और इस एप्लीकेशन में आपको इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों लोग इस एप्लीकेशन का सबसे ज्यादा यूज अपनी शॉर्ट वीडियो और अपनी रील्स वीडियो को एडिट करने के लिए करते हैं, लेकिन गाइस आप इस एप्लीकेशन में अपनी लॉन्ग वीडियो को भी एडिट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इस एप्लीकेशन में एक दिक्कत है, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलेगी। तो अब आप सोचोगे कि इस एप्लीकेशन को हम डाउनलोड कैसे करेंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करने के दो तरीके हैं और मैंने इन दोनों तरीके के ऊपर पहले से एक वीडियो बना रखी है। तो आप यहाँ पर साइड में इन दोनों वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो और कैपकट एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हो। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इन 5 एप्लीकेशन में से आपकी फेवरेट एप्लीकेशन कौन सी है।